मेरा नाम रुजुल है, रुजुल घोड़के है। और ये क्राउन के लिए मैंने मतलब बहुत ट्राई किया है कि अच्छा ड्रेस पहनो, ये करो वो करो, मेकअप वगैरह। इधर मैं एक्चुअली 1 आवर पहले ही आ गई थी, और वो सब करने के बाद मेरा ऐसा होप्स था कि हाँ मुझे क्राउन चाहिए। और जब वो मोमेंट आया कि हाँ इसको अभी क्राउनिंग होगा और उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस मोमेंट था कि हाँ फाइनली आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ, आई फील गुड। और ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। Keep any suspense or any suspicious mind. This is also very beautiful, but it is glittering. There is nothing in this dress. It's very simple, but it is looking elegant. That's it. लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने गए ना तो डॉली मैम ने जो वॉक सिखाया, उन्होंने हर सेकंड में ऐसा मतलब करेक्ट किया मुझे कि ऐसे चलो, सामने देखो, कॉन्फिडेंस दिखाओ अपने मुंह पे, ऐसे मतलब कर रहे हो इसलिए मत करो, खुद के मन से आ रहा है वैसे जाओ और करो। वो मुझे डॉली मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, वो मुझे बहुत पसंद आया। और डॉक्टर ज्योति मैम का जो इंटरव्यू था वो मुझे ऐसा अच्छा लगा, बिकॉज़ उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बोली है, इन्फॉर्मेटिव बातें जो मुझे पहले पता नहीं थी। और मतलब एवरीथिंग अबाउट योर फेस एंड ऑल, आई फेल्ट गुड एंड टुडेज़ डे वाज रियली गुड फॉर मी। सो यू नो, मुंबई का अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ऐसा लगता है कि चलो मुंबई की एक क्वीन का सिलेक्शन किया जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेशन का अगर मैं जिक्र करूँ तो मुंबई की क्वीन को बनाने की भी एक कोशिश हो रही है, राइट? सो आपका अट्रैक्शन, आपका जो ध्यान है, कितना इस टाइटल को जीतने को लेकर है? एक्चुअली ये मेरी पहला बार मैं ये सब करने जा रही हूँ। सो मेरा ऐसा इच्छा है कि मुझे जीतना ही है। ये मेरा मेन एम इज़ टू विन द मेन क्वींस ऑफ मुंबई का क्राउन बाय डूइंग एनीथिंग और एवरीथिंग आई कैन डू। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट, लाइक प्राची मैम बहुत बूस्ट करती है। प्राची मैम इज़ द वन, जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम योर, शी हैज़ क्रिएटेड दिस थिंग। एंड उनके वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ I can do it myself, और मुझे ये क्राउन जीतने की ज़रूरत है। आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्टिक जिमनास्ट एंड आई एम अ नेशनल मेडलिस्ट, और आई एम 17 अभी एंड आई स्टिल प्ले जिमनास्टिक्स एंड आई हैव बीन टू एन इंडिया कैम्प एंड आई एम अ जिमनास्ट, आर्टिस्टिक जिमनास्ट। थैंक यू।